था राम जी कोई जासूस वासूस है क्या हमारे घर में? हाँ, आप लोग कहाँ से पता चल गया? ये तो मैं बाबा साहब के साथ बात कर रही थी। अरे मारा राम जी, अजी सुनते हो जी? अट्ठी ने आओ, हाँ जे दे लो। ये जासूसी कर रहे अपने घर में। मेहमान की बात तो मैं आपसे कर रही थी, इन लोगों को खबर कहाँ से होगी? कहाँ से होगी? आप लोग कहाँ से खबर ले आते हो? आप ये जो परकतरिया है ना घूमे हैं, परकटिया परकटिया, हाँ ये पता नहीं कहाँ कहाँ से जासूसी करे हैं। कोई बात को नहीं, ये क्या पूछना चाह रहे हैं? अरे वो छोटे मेहमान की बात कर रहे हैं। छोटा सा प्यारा सा मेहमान? अभी हमारे दिन ही प्यारा से मेहमान की हमारे बहन बच्चे बड़े बड़े हो गए। राम जी वो किस बात की बात को? सूरज संध्या के बारे में। चुप रहो। कुछ नहीं बस ये तो ऐसी एक खुशखबरी आएगी, सबको मिठाई बांटेंगे हम। अरे वो मेहमान को नहीं, अरे वो तो एक भयानक सा सपना था, वो छोटा सा संतु? अरे कुत्ते का बच्चा। अरे मारा राम जी, मारो घाघरो ही पकड़ लियो। अरे वो तो वो काई के दिल को दौरो आतो आतो बच गयो। अरे संतोष तो मतलब एक सादे छोटे से कुत्ते के बच्चे से क्यों डर रहे हैं? अरे मारा राम जी, इनके आंख पे छोड़ो, इनको पता चलेगा। हाँ बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि एक जानवर के साथ, एक छोटे से बच्चे के साथ शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और पर्टिकुलर वो मोमेंट जो हमें कैप्चर करना है, जैसे वो उसने बाकायदा मेरा घाघरा पकड़ा हुआ है और वो खींचती भी जा रही हूँ मैं, ये बहुत नेचुरल सा मिल गया। बाकी मिलना बहुत मुश्किल है, वो ट्रेंड नहीं है, बहुत छोटा सा है वो। कुछ ऐसी बात हुई थी जब ये लोग आरजू को लेने गए थे तो वह कुछ आंधी तूफान सा चला था, तो पूरे गुलाब ही गुलाब संध्या पर गिर जाते हैं, वो एकदम गुलाबों जैसी बन जाती है। तो सूरज उस बात को बता रहा था, उस पर देख के सारा घर का माहौल जो है वो बड़ा हंसमुख सा हो रहा था और लाइट माहौल था। और संध्या और सूरज की जो नोक झोंक है, जो लोग मिस कर रहे थे, वो फिर से आ रही है लोगों के बीच में। हमें भी अच्छा लग रहा है छेड़ने में उनको, और शायद लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा।